ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं धम्म क्रांति महोत्सव का ये विशेष प्रसारण, जो कि हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की उस क्रांति को याद करने के लिए हर साल आपके सामने लेकर आते हैं और कई सारे वक्ताओं को आपके सामने लेकर आते हैं, उनके विचारों को आपके सामने लेकर आते हैं। यहाँ पर जो चर्चा हम कर रहे हैं वो इस तरह से है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो संकल्पना थी प्रबुद्ध भारत की, उस संकल्पना में हमारे वास्तविक प्रयास क्या है, किस तरह से रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कई सारे पैनलिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी, अभी तक जितने लोगों से हमने राय ली है उसमें कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो प्रबुद्ध भारत की जो संकल्पना थी उसको, भारत को प्रबुद्ध करने का मतलब यही था कि हर इंसान को अपने अधिकार देना, हर इंसान को समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुभाव, इस तमाम मूल्यों से अनुग्रहित करना, यानी उनको इन तमाम मूल्यों की अधिकारिता देना, और जो नैतिक नेचुरली जो इंसान के आचरण के जो ये होते हैं, गुण होते हैं, उसको बुद्ध के तत्वज्ञान में जिस तरह से बताया गया है उसको अपने आचरण में लाना, तो ये जब हर इंसान करेगा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही जाति विशेष के लिए ये सारे मंत्र है या ये सारे तत्वज्ञान की भाषा है। वो किसी भी जाति धर्म का इंसान हो, अगर वो इस तत्वज्ञान को पालता है, इस तत्वज्ञान के अनुसार अपनी जीवनी जीता है, तो वो बुद्धिस्ट है, ऐसा माना जाता है। तो उसी तरह की बाबा साहब की संकल्पना है और उसमें हमारे क्या प्रयास रहे हैं उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक विशेष मुद्दे की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ प्रसिद्ध कवि और लेखक इमो नारनवरे जी हैं, जिन्होंने जो लॉन्ग मार्च का जो आंदोलन था उसमें सक्रिय सहभाग लिया है और जोगेंद्र कवाड़े साहब के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में दिशा दी है, इस आंदोलन का नेतृत्व किया है और हाल ही में अभी उन्होंने लॉन्ग मार्च जिंदाबाद करके किताब भी निकाली है। तो ये लॉन्ग मार्च का जो संघर्ष था वो भी एक प्रबुद्ध भारत की राह पर ले जाने वाला संघर्ष था, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उन यादों को फिर से ताज़ा करने की कोशिश करते हैं इमो नारनवरे साहब के माध्यम से। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह से ये किताब आपने पूरी की और ये ख्याल आपको कैसे आया कि मैं कुछ किताब लिखूँ इस पर, और ये जो किताबों के माध्यम से आपने यादों को ताज़ा किया है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जय भीम। और अभी जिस बारे में यहाँ पे कहा गया कि मराठवाड़ा विद्यापीठ जो औरंगाबाद में था, उस विद्यापीठ को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देना चाहिए, इस प्रकार का प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन के दोनों सदनों ने, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ने 1978 को 27 जुलाई पारित किया। सभी विधायकों ने, किसी ने कोई ये नहीं किया। ये इस प्रकार का ठहराव पारित होना माने इस देश को प्रबुद्ध भारत की ओर लेके जाने में एक कदम आगे रखना शासन की ओर से, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसी दिन मराठवाड़ा में एक प्रकार का हिंसाचार भड़का, जिनको वो बात पसंद नहीं आई, उन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को हर तरह से प्रताड़ित किया। यह कदम माने 27 जुलाई का नामांतर का प्रस्ताव पारित होना, यह कदम प्रबुद्ध भारत की ओर लेके जाने वाला एक कदम, और उसको तोड़ने का काम जो मराठवाड़ा में हिंसाचार जो भड़का उसने किया।
ये माने देश आगे बढ़ रहा है, प्रबुद्ध भारत की ओर बढ़ रहा है, माने समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, इस तत्वों को लेकर यह देश आगे बढ़ रहा है या विषमता को लेकर यह देश, इस देश में फिर से एक पुराना युग, विषमतावादी युग यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहा है, यह बात उभरकर सामने आती है। और हमने देखा कि यह ठीक नहीं है, यह इस लोकशाही को परास्त करने की बात है। इस देश की जो स्वातंत्र, समता, बंधुता और न्याय, यह जो तत्व प्रणाली है, इस तत्व प्रणाली को भ्रष्ट करने की, उसको उध्वस्त करने की यह चाल है, इसको पनपने नहीं देना चाहिए। और इसलिए इसको रोकने के लिए इस आंदोलन को चलाना चाहिए। और इसलिए नागपुर से औरंगाबाद तक प्राध्यापक जोगिंद्र कवाड़े सर की अगुवाई में हमने लॉन्ग मार्च निकाले। वे लॉन्ग मार्च के प्रवर्तक कर्णधार थे। हम जा रहे थे तो लोगों में जो जिस प्रकार की चेतना की हमने स्थिति वहाँ पे देखी, उससे हमें ये लगा कि यह कदम जो है, ये लॉन्ग मार्च का कदम जो है, लॉन्ग मार्च का कदम भी अभी प्रबुद्ध भारत की ओर लोगों को आकृष्ट करने का, उनको ले जाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा हमको लगा। क्यों कि हमने देखे बहुत साल लगे, करीबन 15-16 साल उस नामांतर को, वो ठहराव पारित का ठहराव के मैंने अमल बजावनी जो है वो अमल में लाने के लिए 15 साल लगे। लेकिन इस बात का फक्र आज भी है कि उस 15 साल में लोगों का बहुत सारा प्रबोधन हुआ। प्रबोधन इस प्रकार का हुआ कि उससे लोग समता क्या है, बंधुता क्या है, न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ये जानने लगे। जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका विरोध भी फिर उसके इसमें बहुत कम हुआ। ये हम कहते हैं कि यह प्रबुद्ध भारत की ओर ले जाने वाला कदम ही था। हम मराठी में उस वक्त भी हम वहाँ पे, मैं स्वयं उसमें शरीक था, जाते जाते हम कहते थे तुड़वी तो संकटाना मी पुढ़े च जाऊ, ये तील आड़वे जे उड़वून सर्वदेव, उधड़ून लावण्याला भेदांचिया तटांना, विसरून भेद सारे सारे च बुद्ध हूँ। बुद्ध होना यानी क्या है? बुद्ध होना माने हर प्रकार की जो विषमता है उसको नकारना, समता के पथ पर अग्रसर होना, मुझे जो स्वतंत्रता है वो दूसरों को भी मिलनी चाहिए, इस प्रकार की सोच मन में लाना, ये भी मेरा भाई है, भाईचारे का जो, भाईचारे की जो भावना है वो भावना मन में पनपना, पनपाना, इस प्रकार का आंदोलन वो लॉन्ग मार्च के रूप में हमने चलाए। और लोगों का बहुत सारा प्रबोधन उससे हुआ, वो समता की ओर, प्रबुद्ध भारत की ओर ले जाने वाला एक बहुत ही बड़ा कदम था। मैं लॉन्ग मार्च पर बहुत सारे माने आक्षेप भी हुए, लॉन्ग मार्च तो माओ से तुमने निकाला था, लॉन्ग मार्च इधर अमेरिका में भी निकाला गया था, तो ये लॉन्ग मार्च को लेकर लोग इस पर माने ये करने लगे। लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो हमारा लॉन्ग मार्च था वो भगवान बुद्ध के नक्शे कदम पर चलने वाला लॉन्ग मार्च था। हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो धम्म के अभ्यासक है वो जानते हैं कि जब तथागत भगवान बुद्ध राजगृह में थे तो राजगृह से उनको जब बुलावा आया उनके पिताजी का कपिलवस्तु से, तो कपिलवस्तु को जाने के लिए, राजगृह से कपिलवस्तु को जाने के लिए अपने हजारों भिक्षुओं के साथ तथागत जो गए वो पैदल चलते हुए गए। और पैदल चलते जाते जाते जहाँ जहाँ भी रुकते थे वहाँ वहाँ पे उन्होंने धम्म का प्रचार किया। हम भी जहाँ जहाँ रुकते थे पैदल चलते चलते जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ पे हमने जागर सभाएं ली। लोगों के मन में जो विषमता की भावना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के
इस नाम को जो विरोध करते हैं वो विषमतावादी तत्वों को समता में परावर्तित करने का हमने प्रयास किया, यह भी एक प्रबुद्ध भारत की ओर लोगों को लेके जाने वाला कदम था। इसलिए जब नामांतर हुआ तो नामांतर होने के लिए इतना प्रयास करना पड़ा, इतना प्रयास करना पड़ा, और उसके बाद में बहुत सारे विद्यापीठों का, विश्वविद्यालयों का नाम तो अपने आप ही हो गया। इसका मतलब नागपुर विद्यापीठ का राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ होता है, अमरावती विद्यापीठ का संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ होता है, जो उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मिलने के साथ साथ ही जो दूसरा विद्यापीठ माने मराठवाड़ा में हुआ, वो मराठवाड़ा का विद्यापीठ भी म्हणजे महर्षि रामानंद स्वामी तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ इस नाम से ही माने वो हुआ। तो इस प्रकार ये जो है नामांतर, और आज अभी कुछ साल पहले पुणे का जो विद्यापीठ का नामांतर हुआ वो भी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ करके हुआ। ये जो सब हुए ये क्या है, इसको किसी ने विरोध नहीं किया, इसको विरोध न होना ये प्रबुद्ध भारत की ओर लेके जाने वाला ये बहुत ही बड़ा कदम था। ऐसा क्योंकि लोगों के सोच में उस नामांतर के आंदोलन से, लॉन्ग मार्च के आंदोलन से ऐसा फर्क पड़ा, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत ही बेहतरी तरीके से आपने यहाँ पर उस बात को जाहिर करने की कोशिश की कि ये जो लॉन्ग मार्च है वो भी एक प्रबुद्ध भारत की ओर ले जाने वाला कदम था, और सही मायने में अगर देखा जाए तो ये कदम था एक प्रबुद्ध भारत की ओर ले जाने वाला। मैं यहाँ पर शेलार साहब की तरफ अभी जाना चाहता हूँ, और वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत देर से बैठे हैं। शेलार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की संकल्पना की बात करते हैं, प्रबुद्ध भारत की संकल्पना की बात करते हैं, और उसमें हमारे प्रयासों पर चिंतन करते हैं, तो क्या आज आपको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादातर राजनैतिक और सामाजिक जो हमारे आंदोलन थे उसमें ज़्यादातर बह गए हैं, और जो हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन होना था और जो सांस्कृतिक हमारा आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, उसको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? आपने इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में जो उत्सव का आयोजन कर उसमें ये चर्चा का आयोजन किया है, मेरे ख्याल से बहुत ही सराहनीय चर्चा है, और उस पर भी जो मुद्दा आपने आज उठाया है वो मेरे ख्याल से बहुत माने रखता है कि क्या राजनीतिक शोर शराबे में या सामाजिक चर्चा में हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक हित संबंधों की ओर हमारा ध्यान कम जा रहा है, या हम बाबा साहब की संकल्पना में जो एक मानव मुक्ति का विचार था, जो एक सांस्कृतिक उत्थान का विचार था, वो क्या थोड़ा कुछ पीछे हो जा रहा है? यह सही में यह विचार करने जैसा मुद्दा है। बाबा साहब मूलतः कई बार उन्होंने कहा है कि आई एम इकोनोक्लास्ट, मैं मूर्ति भंजक हूँ। अब इस बाबा साहब के स्टेटमेंट को कई लोग कई तरह से पेश आ सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कहता हूँ वो किस तरह के इकोनोक्लास्ट थे। बाबा साहब ने जो कुछ भी गलत कहा तो केवल गलत कहकर उस पर टिप्पणी करना ही उन्होंने शुरू नहीं रखा, तो उसका उन्होंने सब्स्टिट्यूट दिया। आप देखिए, मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई, बाबा साहब ने संविधान बनाया, सब्स्टिट्यूट दिया। बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग किया, बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया, बाबा साहब ने सब्स्टिट्यूट दिया। यह तभी होता है जब किसी के मन में एक क्रिएटिविटी की वैल्यू होती है, एक सृजन शक्ति होती है। बाबा साहब बुद्धा एंड इस धम्म इस ग्रंथ में कहते हैं कि द पर्पज ऑफ रिलीजन इज टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, बट द पर्पज ऑफ धम्म इज टू रिकंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड। यह मेरे ख्याल से बाबा साहब की संकल्पना का यह बहुत ही
महत्वपूर्ण बिंदु है। बाबा साहब ने हर समय रिकंस्ट्रक्शन की बात की है। अब रिकंस्ट्रक्शन किस तरह हो सकता है? बाबा साहब जिस माहौल में अपना कार्य कर रहे थे वह अर्थात स्वतंत्रता संग्राम का माहौल था, राजनीति का माहौल था और ज़्यादातर लोग राजनीति से ही प्रेरित होकर सारी चीज़ों को देखते थे। बाबा साहब की नज़र में राजनीति एक मुद्दा था लेकिन वो उनका सर्वस्व मुद्दा नहीं था। बाबा साहब एक मानव मुक्ति का संग्राम लेके आगे बढ़ना चाहते थे। मानव की अहमियत को वो जानते थे, मानव की अस्मिता की वो लड़ाई लड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमें राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो उससे पहले हमें सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी ज़रूरी है और यह उन्होंने कई उदाहरणों से भी पेश किया था। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो सांस्कृतिक मुद्दा है यह बहुत महत्वपूर्ण है और उसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी धार्मिक आंदोलन की दिशा में किस तरह से हम आगे जा रहे हैं। आज आप हमारे कई जो अखबार निकल रहे हैं, हमारा थोड़ा कुछ प्रिंट मीडिया में प्रवेश हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रवेश हो चुका है, आप इसमें देखोगे कि मेरे ख्याल से 90% जो चर्चाएं होती है वो राजनीति पर होती है और हमारी प्रगति को राजनीति के ही दृष्टि से नापा जाता है। मुझे ये लगता है कि इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। बाबा साहब को अगर केवल राजनीति की बात करनी थी, अगर उन्हें केवल सत्ता ही चाहिए थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था जो उन्होंने ये कहा था कि अगर अंग्रेज जाते हैं, हमें अगर स्वतंत्रता मिलती है, स्वराज मिलता है तो इट विल बी ओनली ए चेंज ऑफ मास्टर, इट विल नॉट बी ए चेंज ऑफ हार्ट। बाबा साहब चेंज ऑफ हार्ट चाहते थे, वह उनका परिवर्तन का क्रांतिकारी मुद्दा था और इसीलिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म की ओर ले आए। आनंद कौशल्यायन जी ने कहा था कि बाबा साहब ने अब एक ऐसा खंभा गढ़ाया है धम्म के रूप में कि जिसे उखाड़ने की तो बात छोड़िए, कोई हिला भी नहीं सकता है। तो वो बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक विजनरी उनका स्टेटमेंट था और आज हम देख रहे हैं कि बाबा साहब का जो मिशन है वो उसी दिशा में जाने की ज़रूरत है, इसकी ओर कई लोगों का ध्यान भी जा रहा है। हमारा भिक्षु संघ है, उसकी कुछ त्रुटियाँ हो सकती है क्योंकि हम अभी अभी उस बुद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं, बुद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन करते वक्त उसमें कुछ त्रुटियाँ जरूर रह सकती है। कई बार मैं ये देखता हूँ कि भिक्षु भी जो उनका प्रवचन देते हैं तो सामाजिक विषयों पर ज़्यादा उनका ध्यान जाता है, चातुर्वर्ण पर जाता है, जातिवाद पर जाता है। अब हमारी ये बड़ी दुर्दशा है और सच्चाई भी है कि ये विषय भी हमारे इस तरह हमारे सर पे बोझ बनकर बैठे हुए हैं, हज़ारों साल के हैं ये बोझ। अब इन्हें उतारते उतारते कुछ समय तो ज़रूर लगेगा। मैं समझता हूँ कि धम्म का ज्ञान इतना अपार है और वो भी बौद्ध धम्म का ज्ञान, क्योंकि इसमें कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, कोई भगवान से जुड़े हुए कारनामे नहीं है, इसमें बहुत रैशनैलिटी है। बुद्ध धर्म यह एक विज्ञानवाद का से जुड़ा हुआ धर्म है, विज्ञानवाद ही है सही माने में। अब विज्ञानवाद की जब आप बातें करते हो तो वह तात्विक बातें होनी चाहिए, वह किसी अंधश्रद्धा पर या किसी कपोल कल्पना पर या किसी जिसे हम देख नहीं पाते हैं, जिसे समझ नहीं पाते, जिसे तोल नहीं पाते, इस तरह की काल्पनिक बातों पर निर्भर नहीं रह सकते। और इसीलिए ज़रूरी यह है कि बौद्ध तत्वज्ञान की जो भी परिभाषाएं हैं उन्हें हमने सीखनी चाहिए। भिक्षुओं का तो ये कार्य है ही, हमारे जो लेखक है, चिंतक है, उनका भी ये कार्य है कि वह इस दिशा में थोड़ा समाज का ध्यान आकर्षित करे और इस दिशा में लोगों को ले जाए। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, सीधे सीधे बड़े सामान्य रूप में कहा जाता है
कितना बड़ा तत्वज्ञान है वो, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है ज़्यादा। कुछ चीज़ें ऐसी है धम्म की जो हिंदू धर्म की संकल्पना और बौद्ध धर्म की संकल्पना से मेलजोल पाती है नाम विशेष पर, लेकिन उनमें बहुत अंतर है। जिस प्रकार अब और इसीलिए क्योंकि वो हिंदू धर्म में भी वो संकल्पना है, तो कई हमारे बौद्ध दोस्त बौद्ध अनुयायी कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे धर्म में तो ये है ही नहीं। अब कई लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म तो केवल हिंदुओं में होता है, पर ऐसी बात नहीं है। पुनर्जन्म हम भी मानते हैं, बौद्धों में भी पुनर्जन्म है। बाबा साहब ने बुद्धा एंड इस धम्म में इसका बड़ा सटीक और बड़ा सीधा साधा उदाहरण दिया है। पुनर्जन्म किसे कहते हैं वो उन्होंने समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं जिस प्रकार एक कक्षा में शिक्षक पढ़ाता है, वह अपना ज्ञान सारे विद्यार्थियों को देता है, वही विद्यार्थी आगे उस ज्ञान को आगे लेके जाते हैं, वह ज्ञान का पुनर्जन्म होता है। सीधा उदाहरण देते हैं, वो एक मोमबत्ती से हम दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, वो मोमबत्ती के ज्योति का पुनर्जन्म होता है। या वो ये कहते हैं कि एक आम का पेड़ हम लगाते हैं, उस आम का ही पेड़ आगे आपको आम के फल देता है, तो वह आम के फल का वह पुनर्जन्म होता है। तो यह क्या है, यह सब विज्ञानवादी विचार है, ये रैशनल विचार है। वो ये नहीं कहता है कि आपने आपका आपकी आत्मा चले गई है तो अब आप किसी दूसरी इसमें जन्म लोगे या आपका किसी में अवतार होगा, अवतारवाद पर उसका विश्वास नहीं है। इन्हीं चीज़ों को लेकर हमारे यहाँ जो पुरोगामी विचार वाले साहित्यिक है उनको भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। अब कई बार मैं देखता हूँ कि आजकल बड़ी अच्छी बात है, हमें हर्ष भी होता है कि बाबा साहब को मानने वाले, उनकी विचारधारा को समझने की कोशिश करने वाले, इनकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है। यह बहुत अच्छी बात है और यह बाबा साहब ने जो धम्म का विचार हमें दिया उसके कारण हुआ है। बाबा साहब की दो महत्वपूर्ण बातें हम भूल ही नहीं सकते, एक उन्होंने संविधान बनाया वो, और दूसरा उन्होंने हमें बौद्ध धम्म दिया वो। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि बाबा साहब ने हमें संविधान नहीं भी दिया होता तो हमारा शायद कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन बाबा साहब हमें अगर बौद्ध धम्म नहीं देते तो आज जहाँ हम खड़े हैं वहाँ हम खड़े नहीं रह सकते थे। पर मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं संविधान की कुछ आलोचना कर रहा हूँ या संविधान की उनकी कृति को कम आँक रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, दोनों पूरक है। संविधान पर चर्चा सारे दुनिया में कहीं नहीं होती, किसी देश में नहीं होती है, उतनी चर्चा हमारे देश में क्यों होती है? अमेरिका के लोग मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ पर इतनी चर्चा होती होगी संविधान पर। इंग्लैंड के भी वहाँ पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि उनके संविधान की उनके देश में इतनी चर्चा होती है, हमारे ही देश में संविधान की क्यों चर्चा होती है? इसकी पार्श्वभूमि यह है कि हमारे देश में जो संविधान बना उसकी एक सामाजिक पृष्ठभूमि थी, और उस सामाजिक पृष्ठभूमि में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसे धम्म की पृष्ठभूमि थी। तो बाबा साहब की जो इस देश की सामाजिक अवस्था और बाबा साहब की जो मानसिक एक भूमिका बाबा साहब ने बनाई थी धम्म की, इन दोनों का जो एक संतुलित उन्होंने एक आविष्कार करना था वह संविधान में उन्होंने करने का प्रयत्न किया है। इसलिए मैं उसको कम आंकना नहीं चाहता, परंतु अगर संविधान को सही माने में यहाँ पर लोगों को आत्मसात करने की ज़रूरत महसूस करते हैं लोग, तो उन्होंने धम्म की ओर विशेष अपना आकर्षित, उन्होंने धम्म की चिकित्सा करना, धम्म का प्रबोधन करना या धम्म की बातें सीखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और इस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं, जैसे कि कई पैनलिस्ट के वक्ताओं ने भी बताया है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पूरे निराश है, हम आज भी बहुत आशावादी है, यहाँ तक आए हैं जो किसी भी देश के किसी भी मुल्क के इतिहास में नहीं हुआ। इतना हमने रास्ता तय किया है, इतनी हमने प्रगति की है, और वह केवल बाबा साहब की प्रेरणा से, जो हमें बौद्ध धर्म मिला, बाबा साहब की प्रेरणा थी इसलिए हमें संविधान भी उतना अच्छा मिला, उसके कारण हम आज यहाँ तक आए हुए हैं। तो यह अच्छी बात है, परंतु फिर भी संकट तो होते ही है और उससे लड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा। बाबा साहब ने जो तीन सूत्र हमें बताए थे कि पढ़ना है और संगठित होना है और संघर्ष करना है, तो पढ़ना और संगठन करना और बाद में संघर्ष करना, तो ये संघर्ष करना हम भूल नहीं सकते, क्योंकि आदमी एक ऐसी वस्तु है, बड़ी फिसड्डी वस्तु है, कई बार इसका मन इतना चंचल होता है। तो धम्म में भी कहा गया है
धम्म की आवश्यकता भी इसीलिए है कि आपको हर समय जागृत रहना होता है, विपस्सी रहना पता होता है। अब विपस्सी का आया तो मैं इस पर भी थोड़ा अपना विचार प्रकट कर दूं कि विपस्सना के बारे में भी कई लोगों में कई गलत फहमियाँ हैं। मैं ये समझूंगा कि इस पर लोगों ने सोचना चाहिए कि विपस्सना यह बौद्ध धर्म का ही भाग है, यह कोई बाहर से आया हुआ नहीं है। विपस्सना का मतलब होता है आप अपने अंतर्मन में झाकर देखिए, अध्ययन कीजिए। अध्ययन और विपस्सना कोई अलग अलग बात नहीं है, अगर सामान्य शब्दों में मैं बताने की कोशिश करूँ तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये धम्म को जोड़कर जब हम देखेंगे तभी हमारा सांस्कृतिक उत्थान भी हो सकता है। और सांस्कृतिक उत्थान कई क्षेत्रों में होना चाहिए हमारा। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी लेखक कवि आए हैं, काफ़ी रचनात्मक उन्होंने कृतियाँ दी है। अभी जैसे कि नामांतर के बारे में एक लॉन्ग मार्च जिंदाबाद यह किताब आई है इमो नारनवरे जी की, एक बहुत सराहनीय उन्होंने एक रचना दी है समाज को पढ़ने के लिए। और वो भी इसीलिए कर पाए हैं क्योंकि वह उस अध्ययन से प्रेरित है जिस अध्ययन की बाबा साहब ने संकल्पना की थी। तो बाबा साहब की जो संकल्पना है वह सांस्कृतिक है, बाबा साहब की संकल्पना लोकतांत्रिक है, और लोकतांत्रिक संकल्पना बाबा साहब की केवल राजनीतिक नहीं है। बाबा साहब तो कहते थे लोकतांत्रिक संकल्पना यह एक जीवन शैली है, वह जीवन शैली बनाना चाहते थे लोकतांत्रिक। तो इस तरह ये जो सारे मुद्दे हैं यह सांस्कृतिक है और धार्मिक भी है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ तरक्की की है, करनी तो हमेशा ही बाकी है, स्काई इज़ द लिमिट, और इस पर मेरे ख्याल से विचार होना चाहिए। आपने आज के मौके पर ये जो हमें कुछ शब्द रखने के लिए यहाँ पर समय दिया तो मैं आपके भी धन्यवाद करता हूँ। और लोगों से मैं यही कहूँगा कि राजनीति तो करते ही रहिए पर अपना धर्म संस्कृति, लेखन संस्कृति, वाङ्मय संस्कृति, जो रचनात्मक क्रिया है, नाट्य है, अपना संगीत है, इसकी ओर भी आप ध्यान दें तो मेरे ख्याल से ये समाज एक सांस्कृतिक उन्नयन कर सकेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस बहुत ही अहम मुद्दे को आपने सामने लाया। और मैं भी ये मानता हूँ कि जब हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, हमें इस मानवता को आगे बढ़ाना है, तो हमें सांस्कृतिक और धार्मिक विकास करना ही होगा, तो उसके बगैर हम ये नहीं कर सकते। और हुआ ये है कि हम ज़्यादातर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक जो हमारा आंदोलन है, जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो धम्म चक्र प्रवर्तन सबसे पहले सम्राट अशोक ने किया था और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है, उसको हमें आगे बढ़ाना है, उस गति से आगे बढ़ाना है, तो ये भूलना या फिर इसको कम आंकना या फिर पॉलिटिकल और सोशल आंदोलन को, सोशल मूवमेंट को ज़्यादा महत्व देना, ये ऐसा नहीं कर सकते। इन तीनों बातों को हम साथ में लेकर उतनी ही गति से, उतनी ही शक्ति से, उतनी ही स्फूर्ति से हमें आगे बढ़ाना होगा। और जैसे कि आपने भी कहा है और तमाम पैनलिस्ट का ये कहना है कि हम निराश नहीं हैं, हम जितना भी हो सके हम करते आए हैं। और ये बात सही है कि हमारी जो गति है वो थोड़ी सी धीमी है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास प्रबल है और हम आगे भी इस देश को, इस हमारे भारतवर्ष को प्रबुद्ध बनाने की जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की संकल्पना थी उसको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करते रहेंगे। और इसमें हर इंसान के, हर तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के, राजनेताओं के, और जो कार्यकर्ता है, जो आम इंसान है, उसके, हर इंसान के इसमें अपना अपना दायित्व जो है वो अपने अपने तरीके से पार कर रहा है। तो इस चर्चा में हम, ये दूसरा सेगमेंट है, पहले सेगमेंट में हमने कई पैनलिस्ट बिठाए थे, उन्होंने भी अपनी जो कंक्लूजिंग रिमार्क है वो यहाँ पर दी। और जैसे कि अभी इमो नारनवरे सर हैं, उन्होंने भी अपनी कविता के माध्यम से इस बात को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि मन की आंखें खोलो। और साथ ही साथ जो उनका लॉन्ग मार्च था
उस लॉन्ग मार्च का जो उदाहरण देकर, उनकी जो किताब आई है उस किताब का उदाहरण देकर जो प्रबुद्ध भारत की प्रक्रिया में उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया वो भी बहुत सराहनीय रहा। और ख़ास करके नरेंद्र शेलार जी हैं जो कि एक आर्किटेक्ट है और कवि भी हैं, उन्होंने भी एक अलग तरह से अपने मुद्दे को रखने की कोशिश की और प्रबुद्ध भारत की दिशा में कदम बढ़ाने की जो बात कही उन्होंने वो भी सराहनीय थी। तो इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे, पैनलिस्ट और भी हैं और भी कई सारे मुद्दे हैं आंदोलन की चर्चा करना है। आप कहीं मत जाइएगा, अभी एक छोटे से ब्रेक का समय है, आप लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ बने रहिएगा।